Hey guys, welcome back to our channel. As you know, it's all Christmassy, wintery. So, आज हम जा रहे हैं कनाडा वंडरलैंड, जहाँ पे लगा है कनाडा का विंटर फेस्ट. वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होंगी, बहुत सारा होगा, तो हम कोशिश करेंगे बाहर से एक ड्रोन शॉट लें और सारी लाइट्स कैप्चर करें. But let's see how it goes. Let's go to Canada Wonderland. Yay! It's around 1.5 hours away क्योंकि हमने जाना है वॉन. हम हो गए हैं सारे पैक बिकॉज इट्स सो आज फील लाइक -10 है और अभी हम आ चुके हैं कनाडा वंडरलैंड. अभी भी लाइट है तो हमने अभी ड्रोन शॉट लिया और अभी हम रात का भी सीन देंगे. हमने सुना है बहुत सुंदर होते हैं यहाँ पे विंटर लाइट्स जो होती हैं. तो अभी हम चलते हैं अंदर और आज हम आपको मिलाएंगे मेरी सिस्टर से भी, मेरी रियल सिस्टर एंड द अदर सिमरन जिसको आपने पहले भी देखा हुआ है. ही इज माय ब्रदर इन लॉ. सो लेट्स गो इनसाइड. जी असि आ गए हाँ कनाडा वंडरलैंड. ये क्या हो गया? पंजाबी शुरू हो गई है. ऐसे मेरा मन कर गया. ये क्रिसमस है तो पंजाबी बोलेगी. यस, उनके बाबा जी का बर्थडे है, गुरुपर्व भी तो हुआ. ओके. तो बहुत ही सुंदर जगह है, काफी सारी लाइट्स लगी हैं. अभी हमने थोड़े से झूले झूले, लेकिन झूले के अंदर ना गोप्रो ले जाने दे रहे थे. और पीछे अगर आप देखो तो काफी बड़ा क्रिसमस ट्री है. हमने दो राइड करे, हमारे ऊपर काफी बड़ा क्रिसमस ट्री है. सो इट्स अ रियली फन थिंग. अभी हम जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट, थोड़ा सा दिखाते हैं वहाँ पे क्या है. एंड दिस इज इन वॉन कनाडा वंडरलैंड. एक बंदे की टिकट वर्स्ट फॉर $34, तो दो बंदे की हो गई ऑलमोस्ट $70. और एक गाड़ी की पार्किंग इज $22 और टोटल $100 में. काफी सही फील है यहाँ पे. दैट्स ट्रू. और खाने पीने का अलग हिसाब. हाँ, कॉफी है भाई साहब $5 की, एक हॉट चॉकलेट, नॉट इवन टिम हॉर्टन्स. आप बोलोगे पैसे गिनवा रहे हैं, पैसे नहीं गिनवा रहे. इट्स रियली फन. एंड अगर आप यहाँ हो, आई डोंट नो वीडियो कब जाएगी, बट December 31st तक है ये. सो डू कम. चलो लेट्स गो टू द क्रिसमस मार्केट. This Christmas market was so cute. इतनी छोटी सी मार्केट थी, बट बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे थे, छोटी छोटी क्रिसमस के डेकोरेशन मिल रहे थे. इट वॉज अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स कनाडा है तो यहाँ पे समोसे तो मिल नहीं थे. Seeking shelter from the storm. If the spirit of the season to open up the door. And -10 degree feels like था, तो bonfire और live music का मजा ही कुछ और था. Let me come in. Thank you and enjoy your ride. Once again, so that's our boarding. Make sure you put the GoPro away. You can't record on any ride at Casualland. Are we done? Are we done?
लिए जितना स्केरी दिख रहा है ये उतना ही स्केरी था। Alright, तो ये है नया किरदार हमारे व्लॉग में। He is my sister, my real sister. ये कनाडा आई थी कितने पहले? अप्रैल में, so 8 months. 8 months हो चुके हैं। अभी ये टूरिस्ट वीज़ा पे है, वैसे स्पाउजल परमिट पे है। इसकी एक वीडियो बनाएंगे अगर आ जाए स्पाउजल परमिट तो होपफुली तो वही वीडियो बनाएंगे। तो हमने वो लगा कि थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। Her name is Jyoti Singh. सिंग एंड मैं तो नीतू ही बुलाता हूँ, तो सही है। चलो मजा आए, बाय बाय। ये रही सिमरन। चलो तो हम लोग वीकेंड पे गए थे कनाडा वंडरलैंड के विंटर फेस्ट पे। आज हम आपको दिखाते हैं विक्टोरिया पार्क का विंटर फेस्ट। सो बेसिकली सॉरी Are you okay? Yes. तो basically क्या बोल रही थी? तो मैं ये कह रही थी कि सिर्फ वंडरलैंड नहीं, सारा मतलब कनाडा ही सजा होता है क्रिसमस। हाँ exactly। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि विक्टोरिया पार्क विच इज इन किचनर वो कैसे सुंदर तरीके से सजा हुआ है। तो लेक है, ये स्केटिंग रिंक बन जाता है। हाँ ये वाली जो लेक देख रहे हो ना पीछे, अभी हम दिखाते हैं ये वाली लेक जो है ये सारी अभी थोड़ी थोड़ी जमी हुई है। बढ़िया पूरी जम जाएगी एंड दिस विल बिकम लाइक अ स्केटिंग रिंक। और अब पीछे जाके दिखाते हैं आपको जितनी भी लाइटिंग वगैरह है, आई होप अच्छे से कैप्चर हो इन आवर गोप्रो। सो लेट्स गो। आराम से जाना पड़ेगा, मैंने विंटर शूज नहीं पहने हुए। ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते। कैसे लोग? तुम्हारे जैसे लोग हैं। ऐसे क्यों लोग है? ऐसा क्या किया मैंने जो विंटर में विंटर शूज नहीं पहनते? पता है कि स्नो है और हम लोग पार्क में जा रहे हैं एंड फिर भी विंटर शूज नहीं पहने। उसमें से आपके योर्स ट्रूली नवजोत जी हैं। देखो ये जो स्नो है, ये स्नो है नहीं वैसे, ये पत्थर है। ये देखो इट्स स्टिल नॉट जस्टिफाइड, यू कैन स्लिप राइट, इट्स नॉट जस्टिफाइड। गौर से देखो ये औरत को मेरे पे बरस रही है अभी। जस्ट राइट हिम अ मैसेज डाउन की वेयर विंटर शूज ओके एवरी टाइम ओके या। मैं की दिखाता हूं यहां पे क्योंकि ये सब देखने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने लाइट के ऐसे सीजन्स ग्रीटिंग्स टीएमसी कस्टम्स डॉट कॉम एडवर्टाइजिंग लगा रखी है। बहुत ही पुराने तरीके की एडवर्टाइजिंग है। आई एम श्योर काफ़ी पैसे दिए होंगे सिटी ऑफ किचनर को इसके लिए। बड़ी अभी भी चलती है एडवर्टाइजिंग। ये एक और इन्होंने BLM ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, द BLM ग्रुप। अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ज़रूरत है तो द BLM ग्रुप, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। कहाँ रह गए? नहीं ये तो ग्रास ही है, मैं थोड़ा जमा के चल रहा हूँ पैर जमा के। यार यहाँ पे क्या है देख? व्हाट सीरियसली? नहीं चीज़ें मिल रही हैं पागल। ओह खाएं क्या? क्या है पता नहीं, वो नहीं चीज़ें मिल रही। हमें लगा कुछ खाने की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, बट खाने की चीज़ें नहीं। इट्स लाइक झांकियाँ झांकियाँ, आई डोंट नो क्या ये, एनी आइडिया? झांकियाँ ही है ये मिल रही। इसमें तो मेरे को सेंटा क्लॉथ भी नज़र नहीं आ रहा। जन्माष्टमी होती है। अच्छा ये वैसा होगा, देखना पड़ेगा ना क्या होता है। ये गिफ्ट्स पड़े हैं यहाँ पे, सेंटा क्लॉज का एक फोटो लगा हुआ है, क्रिसमस ट्री है यहाँ पे। ओ नाइस, जो अंदर बना हुआ है ना यार, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर हो सकता है ना, है ना? यहाँ पे कितना सुंदर होगा कैंडल लाइट डिनर, ठंड में विंटर जैकेट पहने हुए। व्हाट से वहाँ पे भी कुछ है देख। Let's go and see what that is. And I am still being very careful क्योंकि मैंने winter shoes नहीं पहने, sports shoes पहन के आया हूँ मैं। Interesting. Let's see. यहाँ पे by the way पहली बार हमने ये तोप देखी है। I don't think ये Christmas की decoration है, पहले से ही थी जो हमने कभी देखी नहीं थी। But this is certainly a Christmas decoration.
इसके अंदर क्या है? तो यार ये हमने पहले क्यों नहीं देखी कभी? हम ये एंजल को देखते देखते हमें तोप मिल गई। एंजल्स एंड डीमंस। ओह यार सीरियसली? एंजल डीमन, डीमन एंजल। फाइनली समझ आ गया कि ये है क्या। दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ गेम, ऑब्जर्वेशन गेम फॉर किड्स। तो यहाँ पे ये लिखा है कैन यू फाइंड, मैं बताऊं मैं तो, सो दिस इज लाइक अ क्रिसमस विलेज। अब लाइक दिस इज सांता, सो दीस आर सांतास एल्व्स जो कि बच्चों के लिए गिफ्ट इकट्ठे करते हैं। सो नाउ दे हैव रिक्रिएटेड दिस होल थिंग एंड यहाँ पे ना बच्चों के लिए टू डू है कि यू हैव टू फाइंड ट्री लाइट्स स्टॉकिंग्स एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी क्यूट। How many elves, how many gingerbread people, how many tools? Oh, that's interesting. So, देख यहाँ पे वो बना रहे हैं, then वो assemble कर रहे हैं, then यहाँ पे वो test का paint हो रहा है, then oh, your toy, nice. And they are just testing that you know toy like that. Nice. It's so cute. इस वाले में बता फिर. So इस वाले में लिखा है, can you find sled, Christmas tree, unicorn? So this is like, you know, जब अपना घर डेकोरेट करते हो with all the Christmassy things, Santa is there with all the toys that they are bringing. तो तुम अपने fireplace पे stockings लगाते हो, you decorate your Christmas tree, you have gifts for everyone. This is everything that you do at home at Christmas. Okay, now know what this dhankiyan mean. That's awesome. So this is, you know, how people celebrate Christmas in Canada. Like with lights and everything. I think हम लोग ये वाइब के लिए ना जब दिल्ली में होते थे तो सीपी जाते थे, remember Christmas पे? Christmas है। Christmas में कैलकटा में था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं कैलकटा में 2 साल रहा हूँ। मेरे हिसाब से कैलकटा का क्रिसमस बहुत बेटर देन दिल्ली का क्रिसमस। हो सकता है। But then you know it cannot match to North American Christmas. वैसे यहाँ पे क्रिसमस पे लोग अपने घरों में रहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ डिनर करते हैं। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे इस क्रिसमस पे, बिकॉज हमें भी थोड़ी ट्रेडिशन बनाना चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं तो आई थिंक इट्स ओके, यू नो, इफ दिवाली तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, यहाँ पे जितनी हमारी फैमिली है उनके साथ हम सेलिब्रेट करते ही हैं, बट आई थिंक वी नीड टू डू क्रिसमस डिनर एज वेल। आई थिंक इस बार टर्की खाने वाले हैं हम, सो That's gonna be a first. But ये जितनी डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये बेसिकली प्री क्रिसमस होती है मोस्टली। तो आज भी इट्स 21st, तो लोग 2-3 हफ्ते पहले से ही थोड़ा सा इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। ऑफिसेज वगैरह ऑलमोस्ट बंद ही रहते हैं इस टाइम पे। सिमरन का ऑफिस जैसे खुला हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु सेलिब्रेट क्रिसमस दे डोंट, यू नो, देयर इज अ मीम एज वेल, राइट, कि इज दिस, यू नो, दिस वर्क कैन बी डन इन दिसंबर, या हम इसको जनवरी में पुल ऑफ कर दे। And usually the answer is कि जनवरी में देखेंगे इसको। In fact, मैंने mortgages वगैरह करी हैं, and मेरे को बताया lawyers, realtors and banks, ये तीनों जो हैं they are working on so little capacity right now कि it's very difficult to actually do get work done. तो I hope you guys enjoyed this video and a very happy Christmas to you and a happy New Year as well. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye. Bye bye. Oh,